अपनी अपनी पूजा धीरे धीरे करते रहो और इधर जो सुनाया जाए उसको भी सुन लो। पूजा बच्चे बच्चियां अपने करते रहे और जो पूजा कर ले वो यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा सा कान लगा के सुन लोगे तो जीवन तुम्हारा ये सार्थक बनेगा। दूर कीजिए दूर। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। मन तू भजो गुरु का नाम, मैं मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे से नर्तन पायो, माति करनाय अभिमान, मान तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा जाई बसे समसान जा, मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो इससे कर कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यो ही लुट जाएगा, संग न जाई छदाम, मान तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रेन का सुपनाय, आई किया विश्राम,
मन तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब है, अंत न आवे काम या मन तू भजो गुरु का नाम। तासे चेत करो सतसंग तेता, भजन करो आठो याम, मन तू भजो गुरु का नाम। मान यही भजन तेरे संग चलेगा, मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे सते गुरु से लेकर, चढ़ो तीर कुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम। काल करम से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम में, मन तू भजो गुरु का नाम। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सेन्द्र पूरन धनी, नेत करूं तुम सेव अचल भक्त मोई देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। जय गुरु नर नारियो, ये समय बड़े सौभाग्य से कभी कभी किसी को मिलता है, नहीं तो जीवन तो आपका अंधेरे में अज्ञान में व्यतीत हो रहा। दिन में काम करते हो और शाम को घर में बाल बच्चों की सेवा करके सो जाते हो, इतना ही आपका काम और दिन रात का है। इसके आगे ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा,
ये आपको मालूम नहीं होता है कि ये मनुशरीर कितना अमूलक है और ये बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको किसी ने नहीं बताया कि इस मनुशरीर का असली काम, असली उद्देश्य किस काम के लिए आपको यहाँ मृतलोक में ये दिया गया है। इसको सब लोग बस इस झगड़े झंझट में, खाने पीने में, उठने बैठने में, लड़ाई झगड़े में इसमें सब बिता देते हो। रात को भी वही संकल्प देखते हो और दिन को भी वही देखते हो। ना आपके हाथ में रात का पड़ेगा और ना आपके हाथ में दिन का पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए उसने आपको मालिक ने दिया और ये कहा कि देखो मेरा ये मनुष्य शरीर दिया हुआ ये साफ सुथरा है और तुम इसमें बैठकर अपनी जीवात्मा का कल्याण, अपनी जीवात्मा को भगवान के पास में पहुंचा दो। हमारे मकान को गंदा मत करना, मैं तुमको इसको किराए पर देता हूँ, भाड़े पर थोड़े दिन के लिए, समय पूरा होते ही मैं आ जाऊँगा और तुमको मकान से बाहर निकाल कर और मैं अपना मकान ले लूँगा। उसने ये कहा मेरे मकान में गंदगी मत जमा करना। तो आपने उसके अमोलक मकान को जो आपको दिया गया है उसमें कूड़ा कचरा, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा आपने इसमें भर लिया। अब श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है तो वो आने वाला है और सामने खड़ा हो गया कि मकान को खाली कर दो, अभी आप क्या करोगे? उसके सामने होश उड़ जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे, जवान आपके मतलब ये वो भी बंद हो जाएगी, बुद्धि जो है वो पागल हो जाएगी, कहकर निकलो मकान, पहचानना भी बंद, सुनना भी बंद, बोलना भी बंद, समझना भी बंद और मनुष्य रूपी इस किराए के मकान से जीवात्मा को निकाल करके बाहर करेगा, फिर तुमको ले जाएगा और वहाँ पर हिसाब करेगा कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, उसी कर्म के आधार पर तुमको पशु में, पंछी में, कीड़ों में जाकर के बंद कर देगा, फिर यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। यह अमूलक उसने आपको ये निधि दी है, हमको ये चाहिए कि इसमें जीवात्मा बैठी उसको जगाया जाए। तो आप किसी से रास्ता पूछते नहीं हो, भाई किस रास्ते से भगवान देखा जाएगा, किस रास्ते से मिल जाएगा, कोई रास्ता है मनुष्य रूपी मंदिर में? तो सबके पास भगवान के पहुंचने का रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में, कहीं बाहर नहीं है कि तुम पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, तुम्हारे मनुष्य मकान में उसके पाने का, देखने का, दर्शन का और जीव को यानी मतलब यह है कि पार करने का इसी से रास्ता। तो तुम किसी जानकार के पास जाते, उससे पूछते कि भाई भगवान के मिलने का कोई रास्ता है, तो वो बता देता आपको और फिर कहता कि देखो ये रास्ता है, इसे चलो। तो देवी और देवता और भगवान और ब्रह्मा और विष्णु, महादेव और ईश्वर और ब्रह्म सब मिल जाएंगे। तो आप तो दिन भर इस काम में लगे रहते हो, दिन गया धंधे में, रात गई तो हीरा जलम अमोल था कौड़ी बदले जाए। क्या आपने कर दिया मनुष्य शरीर पाकर, क्योंकि ये तो अमोलक मनुष्य शरीर है, सारे संसार की दौलत को एक जगह रख दिया जाए और इसकी आरती की जाए कि हमको फिर से मनुष्य शरीर ये खड़ा कर दो, दे दो, इसमें जीवात्मा को वापस ले आओ, तो ये धन दौलत नहीं कुछ कर सकता। ऐसा आपको सबको अमोलक मनुष्य शरीर दिया गया, चाहे किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अर्जन हो, मुसलमान, ईसाई हो, भगवान के पाने का सबको ये अवसर दिया। आप कहोगे हमको भगवान के पाने का अवसर नहीं मिला, तो इससे बढ़कर के और क्या मिलेगा? अब आपको इसमें बैठकर किसी महात्मा की खोज करना है जो भगवान को पा चुका, उसको अगर आपने पा लिया और उसके पास पहुंच गए तो भगवान के पाने की आपने इच्छा जगा देगा। और जब इच्छा जाग जाएगी तो आप कहोगे मुझे रास्ता बताइए, तो रास्ता देगा। फिर आप बैठ कर के मनुष्य रूपी इस मकान में फिर भजन करना, जब भजन करोगे तो तुम्हारी दिव्या ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुलेगा, उस नेत्र से भगवान और देवी और देवता देखे जाते हैं। ये बाहर की जो चर्म आँखें, जो शरीर की आँखें,
ये देवी देवता को स्वर्ग और वैकुंठ को नहीं देख सकती हैं। जब तुम्हारी अंदर की आँख खुल जाएगी वो उनको देखेगी और उससे मिलेगी और भगवान को देखेगी तब बेड़ा पार, तब भवसागर से उतरोगे। ऐसे नहीं, मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में सब मनुष्यों में ये जीवात्मा बैठी हुई है। इधर देखो आप, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में तो ये शरीर के नाके के ऊपर बैठी है, उधर में स्वर्ग का नाका, इधर मनुष्य शरीर का नाका। तो जो आपको यहाँ बैठाया था और आपने ये कहा था कि जिसको पकड़ के आए उसको छोड़ना नहीं, तो आप सुख सुविधा में लग गए और ये संसार के ये काम ये करने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे और इन पर्दों को ये कहने लगे ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, खेती मेरी है, पेड़ मेरा और ये मेरा और ये मेरा। तो इस लोभ लालच में मोह ममता में बस गए तो अंदर में मैल जमा हो गया। तो अंदर की तुम्हारी जो जीवात्मा की आँख थी एक, वो तो हो गई बंद, अब देखना बंद हो गया और सुनना बंद हो गया। तो दो आगे तुम्हारी शरीर में और एक जीवात्मा में, तीन आँख हो गई। तीन तुम किताबों में देखो, उसमें लिखा हुआ है कि महात्माओं के पास जाओगे तब तीसरी आँख तुमको मिलेगी, और बिना महात्माओं के गए हुए तीसरी आँख नहीं। और तीसरी आँख से स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, ईश्वर का दर्शन होगा। इन चर्म आँखों से देवी देवताओं को आप नहीं देख सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जीवात्मा बैठी है उसमें एक कान है और शरीर में दो कान, तो बाहर के कान बाहर की आवाज़ सुन दे और जीवात्मा का कान भगवान की आवाज़ को सुनेगा। तो तुम्हारे घट घट में मनुष्य रूपी मकान में घंटे और घड़ियाल, आरती पूजा 2400 घंटे हो रही है, तुमने कभी अपनी जीवात्मा से उसको सुना और देखा? सो रहे हो, ऐसे ही चले जाओगे, न तो ये जमीन जाएगी, न ये बच्चे जाएंगे, न तुमने सोना चांदी जमा किया वो जाएगा, न कपड़े जाएंगे, ये कुछ भी नहीं, सब छोड़ के और तुमको यहाँ से निकाल कर इसी मकान को उठा करके वहाँ जंगल में ले जा कर के शमशान में पहुँचा के जला देंगे। क्या आपके साथ जाएगा? क्या ले आए थे आप? कुछ नहीं, अकेले आए थे। जब जाने लगोगे तो अकेले जाओगे, लेकिन इस माया में, इसमें ऐसे जड़ माया में फंस गए हो कि तुमको अपना होश ही नहीं है कि मुझे, मैं किस रास्ते से आया हूँ, कैसे वापस जाऊँगा, रास्ता भूल गए। अब महात्मा महापुरुषों की जरूरत है वो रास्ता बताए, बिना उनके रास्ता बताए हुए जो जानता है वही रास्ता मनुष्य रूपी मकान में बताएगा। और तुम्हारा ये जो दिल है, ये हृदय जो कूड़ा कचरा पाप और पुण्य का यहाँ भरा, यहाँ नहीं, यहाँ कूड़ा कचरा नहीं है, ये सब यहाँ पर भरा हुआ, उसको महापुरुष साफ करेंगे और फिर जब सफाई कर देंगे तो मन और बुद्धि और चित्त तुम्हारा निर्मल हो जाएगा। तो जीवात्मा जब साफ होगी तो आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगना और देखने भी लगना। जब दिखाई देगा तो देवी देवताओं से मिलना भी, उनसे बात भी करना, और जो उसका रचने वाला जो है, जिसने ये सब कुछ बनाया, उसी दुर्गा भी दर्शन साक्षात्कार होगा। लेकिन तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ही उसका घाट है, उसके पास जाने का। ये असली मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसी को जिस्मानी मस्जिद कहते हैं, इसी बाटी को कहते हैं चर्च। इसमें जीवात्मा बैठी हुई और जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है, इसमें आकर के फंस गई। अब इसको कैसे निकाला जाएगा वो तो महात्मा जब युक्ति बताएंगे, रास्ता बताएंगे, तो धीरे से ये जीवात्मा, मतलब ये जाग जाएगी और निकल के बाहर, शरीर से बाहर खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी होती है? जैसे मृत्यु के वक्त में जबरदस्ती निकाल के बाहर कर दिया शरीर, ये पड़ा। ऐसे ही साधन भजन करने पर जीवात्मा अलग हो जाती है और शरीर ये पड़ा वो अलग हो गई, तभी तो आप परमात्मा को देख सकोगे। जीत है जी, सबने कहा है कि मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को घाट पर ला करके जगाओ तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो जीते जी भगवान को पाओ। अरे भाई, मीरा ने जीते जी पाया, तुलसीदास ने जीते जी पाया, रैदास जी ने जीते पाया, जब कलयुग में इन लोगों ने जीते जी बहुत महात्मा महापुरुषों ने और सेवकों ने प्राप्त कर लिया, वैसे आप भी कर सकते हो। लेकिन कोई महापुरुष
प्राप्त करने वाला मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो जीवन अपना ऐसे ही चला जाएगा। ये जो आप कर्म करते हो ये इंद्रियों का बाहर का कर्म है, जड़। तो जड़ कर्म से जड़ चीज मिलेगी। जड़ कर्म करोगे, इंद्रियां जड़ है, आंख भी जड़ है, कान भी जड़ है, मुख भी जड़ है, हाथ भी जड़ है, पैर भी जड़, ये सारा शरीर जड़, और ये सब सामान जड़ है। तो तुमने जड़ की पूजा, जड़ की प्रार्थना, जड़ का काम और जड़ के कपड़े और जड़ का जल और जड़ की अग्नि, जड़ की वायु, ये सब जड़ का, तो आप इसमें फंस जाओगे तो आपको जड़ चीज मिल जाएगी। और इस जीवात्मा को जब जगा लोगे मनुष्य मंदिर में तो फिर आपको चेतन चेतन मिलेगा। जीवात्मा चेतन है, चेतन का चेतन से भजन करोगे तो चेतन मिल जाएगा। ये जड़ है, शरीर जड़, और ये सब साधन सामान जड़। तो आप लोग इसमें उलझ गए और फंस गए, लेकिन ये पूजा जो सच्ची है, आत्म पूजा, परमात्म पूजा, ये आत्मा की और देव पूजा, वो तो आप नहीं कर पाते। वो तो मनुष्य रूपी मंदिर से उसका रास्ता है, तब आपको मंदिर मिलेगा। वो तो चमकता है मंदिर, वो तो रोशन मंदिर है, वहाँ तो अंधेरा होता नहीं है, वहाँ तो बिजली जलती नहीं है, सूरज निकलता नहीं है, वहाँ मतलब वहाँ रात्रि होती नहीं है, इस तरह के पाप और पुण्य नहीं। ऐसे मंदिर में पहुंचकर अपनी जीवात्मा से मनुष्य रूपी मंदिर में उसकी पूजा करो, सच्ची चेतन पूजा, तो जीव कल्याण हो जाए सदा के लिए, ये मुक्त हो जाए, छुटकारा पा जाए। और तुम सच्ची पूजा नहीं करोगे तो इसमें फंस जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला, अरे पाप और पुण्य इसका फल पा जाओगे। आप तो पुण्य करते नहीं हो, पापी पाप दिन और रात करते हो, तो बताओ कैसे तुमको फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा और कैसे भगवान मिलेगा। उसने तो कहा मन और बुद्धि और चित्त है ये निर्मल और अंतःकरण निर्मल, जिसका हो जाएगा वो मुझको प्राप्त कर ले। तो आपने तो मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण निर्मल नहीं किया, ये तो काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार में फंसे रह गए, इसमें इस गंदगी को अपने ऊपर लाते रहे, पहाड़ों की तरह से लाद लिया, तो इसको उतारेगा कौन। ये सारा जीवन आपका व्यर्थ जा रहा है, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। चार खाने बनाइए, पशु योनि, पंछी योनि, कीड़ों की योनि, थल की योनि, इसमें इतने से निकाल के उसमें बंद कर देगा, तो कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी चूहे की योनि में, कभी गाय की योनि में, कभी शेर की योनि में, कभी मछली की योनि में, और कभी मगर की योनि में, कभी जीव जंतुओं में, इसमें बंद कर देगा। और अपना कर्जा जो आपने लाद लिया उसके देश में, वो लेना देना पड़ेगा। ये कर्जा का देश है बच्चा, ये देश अपने घर में जाने का नहीं है। कर्जा ले और दे, कर्जा ले, कर्जा तुम ले लोगे तो मैं ब्याज के उसको चुकाना, और आप चुका नहीं सकते हो, तो कर्म कर्जा है। जो पाप पुण्य करते हो यही पर देना आपको, यही आपको जन्म लेना, यही मरना, इससे छुटकारा इस जीव का नहीं हो सकता। और जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब आपने बर्बाद कर दिया, अब की मिला उसको भी ऐसे ही गवाए देते हो। ये फिर शरीर मिलेगा, अब की बार हाथ से चला गया तो ये गांव आपको, ये बच्चे आपको, ये सब कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वो दूसरी योनि में कई जंगल में बंद कर देगा, वहाँ करोड़ों वर्षों तक भटकते रहो, रोते चिल्लाते रहो, उस दुख और दर्द में कौन सुनवाई करेगा। और नरकों में भेज दिया तो वहाँ कितने नाम के नरक हैं, उसमें सजाए देगा, वहाँ से लौट के आ नहीं सकते हो। इस मनुष्य शरीर को सार्थक करो, किसी महात्मा की खोज करके उससे पूछो भगवान के मिलने का कौन सा रास्ता है, तो जो जानता होगा रास्ता तुमको मनुष्य शरीर में बताएगा। फिर घर में आके दिन में खेती करो, दुकान और दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, और एक घंटे का समय लगाकर मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का अपनी जीवात्मा से भजन, तब वो परमात्मा मिलेगा जीते जी। मरने के बाद बच्चा मिलने वाला नहीं है। तुम ये सोचते हो कि मेरे लोग पीछे के चले गए, वो स्वर्ग चले गए, उनकी कोई चिट्ठी पत्री तुम्हारे पास में आई है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, और तुम यहाँ बैठे हुए हो स्वर्ग के दरवाजे पर, और तुमको भी पता नहीं स्वर्ग क्या चीज है। अरे दरवाजे पे बैठे हो, इधर मनुष्य शरीर का दरवाजा, उधर स्वर्ग का दरवाजा, और मनुष्य शरीर में बैठ करके स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, तो मरने के बाद पहुंच जाओगे। उनकी तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई कि मैं यहाँ पहुंच गया, तुम भी चले आना, तुम भी चले आओगे,
और न तुम जानते हो कि मेरे जाने वाले घर के कहाँ गए, उसका पता तुमको नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर के द्वारा अगर तुम पहुंच गए स्वर्ग में तो पहुंच गए, और ऊपर चले गए तो चले गए, और नहीं पहुंचे तो स्वर्ग जाने वाले मरने की बात नहीं हो। इसलिए खोज करो कि मनुष्य मंदिर है ये असली मंदिर, इसमें घंटे घड़ियाल 2400 घंटे परमात्मा के बज रहे, लेकिन तुम्हारी अगर आँख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, तो बाहर से न तो सुनाई देगा न दिखाई देगा। इसी तरह से तुम्हारी अंदर की दिव्य आँख और दिव्य कान तुम्हारे बंद हो गए तो सुनाई और दिखाई नहीं देता, तुम्हारे अंदर के वो दिव्य आँख और दिव्य कान खुल जाए तो सुनाई देने लगे, दिखाई देने लगे। मंदिर में सच्ची आरती करो तो खुश हो जाएगा, प्रसन्न तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। पूजा करो प्रेम के साथ, पूजा कर लो, लेकिन देवता से ये कहो कि मुझे सद्बुद्धि दो कि मनुष्य रूपी मकान में बैठकर मैं अपनी जीवात्मा को जगाऊं और दिव्य नेत्र खोल करके आपका सच्चा दर्शन करूं, ये ठीक। और मांग मांगो कि कोई महात्मा जानने वाले मिल जाए जो वहां तक पहुंचे हो देवी देवताओं के पास और उस परमात्मा के पास, और वो हमको रास्ता बता दे, और उनकी कृपा से और दया से रास्ता पा जाए हम आपके पास और भगवान के पास पहुंच जाए। ये देवी देवताओं से गंगा जमुना से प्रार्थना करना चाहिए, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी सद्बुद्धि दो कोई पाप कर्म न करे, कोई झूठ न बोले, धोखा न दे, बेईमानी न करे, जितना भी काम करे नेक काम करे, अच्छा काम करे, पुण्य का काम करे, किसी को सताए नहीं, किसी को मारे नहीं, के घर में किसी के खेत में चोरी न करे। ये देवताओं से प्रार्थना आपको गंगा जमुना में स्नान करते हुए करना चाहिए। अब आप
वो सब आपको देना, वो दूसरे को किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। आपकी बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस जीवात्मा को इस जड़ से, इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया। और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है, जैसा हमने दिया वैसे हमको दे देना। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी, तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारी नस नस को तोड़ देगा, और इतनी पीड़ा होगी कि जलमत मरण दूसरे तो कोई, जलने मरने में अत्यंत पीड़ा होती है। और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराए। हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा, देखो इतनी चोरी की, इतने जानवर मारे तुमने, इतना धोखा दिया, इतने बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नर्क में डालो, वहां जाकर के उस जीवनी में बंद करो। तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे? इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम, मतलब ये है कि कोई धोखा किसी को बेईमानी ना करे, धोखा ना दे, और अच्छे काम करे, सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो आप, मेहनत का काम करो, बच्चों की सेवा आएगा एक सत्कार, और फिर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए, या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूँ, तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे, वो रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में। तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ, और वहाँ ब्रह्मा से मिलो, और विष्णु से मिलो, और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर बाकों से, आपको क्या पता इधर से गए उधर उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई? ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा आपको, अमोला अबकी दे दिया गया, इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह, अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ 84 से नरकों से, नहीं तो ये जाने वाली है, और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है। ए बच्चे बच्चियों, ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखा गया 2 बरस का है, 4 बरस का है, 10 का है, वो 20 साल का है, 50 का, 100 की पूंजी आपको दी जाती है, जिसकी पूंजी खत्म हुई और फिर खड़ा हो जाएगा, निकलो उसी वक्त निकाल के, तुमको खेत में रहोगे, खेत में बाहर रिश्तेदारी में आ रहे रस्ते में, वहीं पर उसी जगह पर सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, पूंजी खत्म हो गई, उस जगह निकाल बाहर करे। बताओ फिर आप क्या ले आए थे? अजय क्या ले जाओगे बताओ? ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी ये खाली कर दो, क्या हम ले जाएंगे? हमारा ये भी नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ और जाएगा, एक सुई की नोक नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगा, वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा, इसको उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे, उधर ले जा करके, और ना ये सामान मिलेगा और ना ये उससे मिलेगा, ना ये उसको देख सकता है, ना सामान इसको देख सकता है, ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है। तो फिर चेतन में आप बेचारे चेतन को आपने क्या किया? गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ, और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब परमात्मा की पूजा करो, तब मिले। सुलभ है, सीधा है, आसान, सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में घर में सुबह और शाम, तुम 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? और मैं इसी में समय सो करके और खा पी करके बिता रहे, ये धिकार है ऐसे जीवन को। तो देवी देवताओं से जिनको आप मानते चले आओ, उसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भौतिक चीजें समझ सके, और फिर अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हमको दिखा दीजिए, सुझाव हमको दे दीजिए, तो हम वहाँ पहुँच जाए, वहाँ रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाए, तब ये जीवात्मा की गति यानी होगी छुटकारा, तब इसको छुटकारा होगा, तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी, नहीं तो परमात्मा क्या कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, न देवी देवताओं के पास पहुँच सकते हो, न स्वर्ग वैकुंठ में, न मंसूरी पा सकते हो। तो ये भटकती रहेगी जीवात्मा, जैसे पशु पक्षियों में, वो भी तो जीवात्मा यही है, इसी मनुष्य शरीर से उसमें बंद की गई,
ये कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गधा हो गए, चूहा हो गए, ये इसी में से गए। अब उसमें भोगने के बाद फिर इसमें आएंगे तो फिर वही काम करो, फिर उसी में जाओ, तो बस यही रहेगा रहेगा, आना और जाना, रो चिल्लाओ और कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। अरे कोई सुनता है? आदमी को जंगल में मार रहा, तुम सुन रहे हो उसकी तकलीफ को? पशु बीमार है, उनको आप मार रहे हो डंडे से, और चलो चलो उसको बुखार चढ़ा, सिर में दर्द है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी, वो बेचारा तुम उससे पूछ रहे हो कि तुमको प्यास लगी है, वो बता देगा? अरे मनुष्य शरीर अमूलक है, ऐसा शरीर फिर मिलेगा नहीं। और कोई ऐसे काम, कोई कर्म नहीं कर रहे हो जिससे मनुष्य शरीर पा जाओ। जो भी कर्म करते हो मनुष्य शरीर से नीचे जाने के, चारों खानों में जाने के और नरकों में जाने के काम कर रहे हो, तब आपको उस समय पर कोई बचाएगा नहीं, न रिश्तेदार, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न बच्चों को माँ बाप, कोई न धन न दौलत, कौन इसको बचाएगा? सभी अलग अलग पड़े, सब अलग हो जाते। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ लो कि मैं किस लिए आया हूँ। यहाँ आपके बाईपास पर मथुरा में सत्संग होता है, तो आप जरा सा वहाँ थोड़ा समय दे करके समझ लो, अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो ले लो और नहीं अपने घर चले जाओ, अमोलक चीज़ मिले तो ले जाओ और नहीं तो अपने घर में रहो, जहाँ भी मिल जाओ वहाँ चले जाओ, तुमको सुलभ है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में मिल जाए वहीं चले जाइए, तो ये खड़ा हो गया है ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर खड़ा है, इसमें सब बुरी बुरी चीज़ें भरी है और उनके द्वारा ये निकल जाएगा तो साफ सुथरा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगेगा उस समय पर। और जीव आत्मा जाग जाएगी तो जगमग 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 जगमग, अंधेरे का नाम नहीं रहेगा, बाहर भी उजाला, अंदर भी उजाला, तब आपकी समझ में आएगा ये संसार क्या है। नहीं भूल भुलैया है, ये छाया चमकना, ये छाया से लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, ये पशु छाया, छाया इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ क्या करोगे छाया? रो रहे हो, मेरा बच्चा है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरी बारे, छाया किसके लिए होते? छाया के लिए, उस जीवात्मा के लिए रोए, उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है? अरे भाई मन नहीं, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, अरे वो जीवात्मा क्या चीज़ है जो इसमें से निकाल के अलग कर दी? शरीर तो ये पड़ा है, आँख भी है, कान भी, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ नहीं हिलाता, और तुम मतलब ये कि इसमें माया की छाया में पड़े हो, मेरी मेरी आए मेरी, ऐसे चले जाओगे आया करते और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूर सुनो, वो ये नहीं कहते पूजा करो आप तीर्थों की, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो, सद विचार दो हमको, और हमको अच्छे कर्म का रास्ता मिले, हम चोरी चमारी इसको बंद कर दें, हम झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह छूटे, और हमको कोई मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता रही, आप बता दीजिए, देवता देखो आप ही बता दो कि ये रास्ता जाने का है भगवान के पास, अगर नहीं बता सकते हो तो फिर किसी महात्मा से मिला दो, हमने इसलिए तुम्हारी पूजा की और तुमको माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 नरकों से बचेंगे। अगर देवता नहीं तो खोज करो महात्मा, मैं किसी को कुछ कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह से सत्य बात, उसको मछली रहती है, कछुआ रहता उसी में, जीव जंतु उसी गंजमुना जी में, उसी गंगा जी में रहते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए, आप वहाँ जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप आपका धुल जाएगा, पाप तो यहाँ जमा है, यहाँ तो पानी नहीं जाता, यहाँ अग्नि नहीं जाती है, तो ये बताओ कि तुम जब यहाँ वो कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब का या कुएं का वो धो नहीं सकता, तो यहाँ जमा है इस जगह पर। अब ऐसा गंगा स्नान, वो गंगा उसमें स्नान करने वाले महात्मा मिल जाए और आपको दिव्य गंगा में, दिव्य जल में स्नान करा दे तो जीवात्मा तब ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो ये जाग जाए, इसकी आँख खुल जाए। अब इसमें नहाते हो फिर चोरी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि जमुना में हम नहाेंगे तो हमारी फिर चोरी माफ हो जाएगी, चोरी और माफ नहीं होती, वो तो यहाँ जमा यहाँ पानी नहीं जा सकता, ये तो शरीर के नाके पर, जीवात्मा शरीर में नहीं है,
जीवात्मा शरीर के बाहर, ये यहाँ नहीं है, नाक में नहीं और मुंह में नहीं है, हाथ और पैरों में नहीं, ये दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उस पर डाल दी, इसलिए रुकी पड़ी हुई है। गंदगी डालो, बाहर निकल जा, छोड़ दे मकान को, जीते जी छोड़ दो। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कभी कभी समय, जब ये सुना करो कि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो जरा से चले आए और सुन लिया और देखो आकर के कि मैं कैसी पूजा आपको देवताओं की, और फिर उन देवताओं को देखो कैसे आप देखते हो उनको अपनी आंखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आ जाएगा, अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, अभी फड़फड़ा के अंधेरे में मर जाओगे, अभी देखते देखते। अब तो बूढ़े हो गए तो अब क्या दिन का साथ है इस शरीर का, अरे किसी दिन भी तुम रात रात में सोते हुए चल पड़ोगे, आप ले जाएगा आपको, अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए किसी का साथ करो, किसी जानकार का साथ कर लो, बस साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, वो बस चल दो रास्ते से तो आपको मंजिल पर पहुँचना अपने घर में। ये तो घर आपका नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, हमारी जमीन, कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर थोड़े दिन के लिए, बस समय पूरा हुआ निकाल करके बाहर कर दिया, बस खत्म हो गया। यह आपका कोई सामान परदेश है, तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे। अपने देश में पहुँच लो, वहाँ आराम से रहना, कोई जलमता मरता नहीं है, ना वहाँ कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ना दफ्तर है ना खेती है ना दुकान, ना कोई बीमारी, ना हाल लाल बच्चे, वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में अपने देश में चलो, ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने जो और कितने जन्म बीत गए ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया, और फिर उधर ही लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मनुष्य शरीर में आए, ऊपर चलो अपने घर की तरफ, बड़ा सीधा साधा, तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो, गांव गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बैर होने लगा, अब घर घर में लड़ाई होने लगी, और घर घर की लड़ाई अब अपने मन से लड़ रहे हो, और सारा जीवन आपने अशांतमय अपना कर दिया, न सोने में शांति, न कहीं जाने में, न कहीं बैठने में, न किसी से बोलने में, और न किसी देवता के पास में। ऐसा तुमने मकान में ऐसा कुचड़ा बड़ा, बिल्कुल अशांति की ज्वाला जलने लगी, तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो आपस में, घर में प्रेम से रहो, सब लोग भाई बंद, बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो, फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो, और एक दूसरे का मान मर्यादा ये सब कुछ रखो, तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का, तो आपको मिलेगा, लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये तो ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की क्षणिक, यानी ठंडक आ रही है उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो क्षणिक रस लेता है कि और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में व्यापार में मिल जाएगा, मिलता तो कुछ नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए किया, सुख मिले हमको, शांति मिले हमको, आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कलुषित और बहुत ही मतलब खतरनाक, अपनी आत्मा को गड्ढे के गिराने में हो गया है, और दरवाजे बैठ गए जाने वाली, इसलिए बचो, अभी बच सकते हो मनुष्य शरीर में, और बाद में फिर बचने का रास्ता नहीं। इसलिए इसको सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए मनुष्य शरीर में आया, फिर मैं अगर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। ये तीनों प्रश्न तुम किसी से करने लगो, और जो इसका जानकार होगा कि तुम वहाँ से आए हो, इसलिए आए हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपकी बता देगा, तब आपकी समस्या का, बुद्धि का असल में सच्चा विवेक तब आएगा, और तब समझोगे आप, और बताएगा देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है,
तुम कहाँ से है बताएगा, वहां सब कुछ है, यहाँ से वहां चलो वहां सब धन है, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है और सब सुंदरता है, अमृत वहां भरा हुआ, सागर भरा, सब बताएगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई तो जीवन चला जाएगा बेकार, व्यर्थ खो दिया आपने ये जवानी और सुमरण शरीर। जवानी भी गई, बचपन तो कुछ कर नहीं सकता है, बालावस्था तो कुछ नहीं करती, किशोर भी नहीं, जवानी में आए और बुढ़ापा भी कुछ नहीं कर सकता, तो जवानी में मस्ती में बेकार में उलझन में आपने खत्म कर दी। अब आगे चलने के देने तो फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे, अरे उधर बैठ जा, तुमने जवानी में बहुत कुछ किया, तो आपको हो जाएगी तकलीफ, कहते हो मेरा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा, अब वो जमानी का उस पर जो चढ़ा है, तुम पर बुढ़ापा के अलग कर देगा, चुपचाप बैठे रहो, घर में जो बहुएं आएगी तुमको रोटी समय से दी और नहीं दी तो शाम को देगी, कभी शाम को नहीं तो सुबह देगी, और तुम कुड़ोगे उसमें कि हमने इतना पालन पोषण किया और ये बच्चे हमारी बात और बहुएं नहीं मानती है। एक दुख ये, एक दुख बचपन में कि रोते बिताए आप में और फिर भी दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की और पेट में दर्द है तो सिर की दवा, और बच्चा रो रहा हाय हाय करता, एक तो आपने वो बिता दिया और एक आपने जवानी, ये आपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले जाओ, तो कोई काम नहीं आया, न जवानी काम आई न बाल मत, न आप बुढ़ापे में काम आए, तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया, और इंद्रियां क्या है, जीड़ हो गई, पुरानी हो गई, आँख नहीं काम करती है और कान नहीं काम करते हैं, मुंह नहीं काम करता, अब रो रहे हो चिल्ला रहे हो, तो ऐसा मत करो, प्रेम के साथ सब लोग रहो और ये समझो हम किस लिए आए, ये यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारा काम प्रभु को पाने का, कि हम अपनी जिंदगी में उस रास्ते में चल के प्रभु को पाएं, असली काम तो तुम्हारा ये था, और उसको छोड़ करके आप इस झगड़े में फंस गए, चलो इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब मिल जाएगा, क्या मिला आपको, जिनके पास वो रो रहे, जिनके पास करोड़ों, जिनके पास अरबों, वो रो रहे चिल्ला रहे और कहते हैं कि हमको दवा हमको दे दी, अरे भाई उससे तुमको सुख मिलता आनंद मिलता तो क्यों नहीं ले लिया, अरे वहाँ कुछ नहीं है, अब आप उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ना आपको ना उनको किसी को कुछ नहीं, दिन में काम करते हैं शाम को बच्चों की सेवा अपना फर्ज अदा करते और उसके बाद बैठ करके थोड़ा भजन करते मनुष्य मंदिर में, तो ये जीवात्मा सच्चे धन को प्राप्त करते, सच्चा धन मिलेगा नहीं, इसका कल्याण होगा नहीं, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो इसलिए चलाया कि हमारे गाँव वासियों ने बहुत ही लोगों से कहा कि बाबा जी को ले आओ जरा मैं दर्शन करूंगा, तो मैंने भी कहा चलो मैं भी दर्शन करूंगा, मेरी भी तो इच्छा दर्शन करने की है, अगर आपकी इच्छा हुई है दर्शन करने की तो मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, तो आदान प्रदान का दर्शन, दर्शन देना और दर्शन करना, इसी के बीच में अरत परत के बीच में अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए, कि भाई किसी के पास अमोलक चीज है और मिलती है जो सोने चांदी से बहुमूल है, वो अगर उससे मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए, इसी को कहते हैं दर्शन दर्शन दर्शन, तो आप देखने आए हो हमको और हम आपको देखने आए, इसी के बीच में कुछ मिले तो ले लेना चाहिए, और ये नहीं ले लो तुम्हारा दुर्भाग्य, ऐसे ही खाली चले जाओगे इधर कुछ नहीं, खाली जाओगे कुछ नहीं, किराए का मकान ये खाली होगा, मेरा भी खाली होने वाला बहुत तुम लोग, मेरा भी मकान खाली होने वाला, अरे ये खाली होने वाला, ये मेरा मकान नहीं है, ये तो जितना वो अपना कहेगा कहे मकान, और उसके मकान में काम कर लिया तो उसे कहेंगे आपकी बड़ी दया हो गई, ये मकान दे दिया आपके मकान में बैठ करके काम किया, ये साफ सुथरा अपना मकान ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए मकान, तो मकान खाली करना, और इसके खाली होते ही संसार खाली हो गया, कुछ नहीं, गाँव खाली हो गया, जमीन खाली हो गई, सामान खाली हो गया, बच्चे खाली हो, सब खाली, कोई किसी का नहीं, ये है दृश्य मृत लोक का, और आप ये सब कुछ देखते हुए समझ नहीं पाते क्यों, कि आपको समझ का रास्ता नहीं है, कोई रास्ता अगर बता दे आपको भेद बता दे तो ये सब समझ आ जाएगी, और समझ रहे हो, समझ के साथ ही साथ अपना काम उलझन का जो जीवात्मा बसी उसका काम कर लोगे, तो जल्दी करो अपना अपना काम, इस समय निकला जा रहा, ऐसा बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव, देखो जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं।
और ना आपका नाम, ना किसी पशु पंछी का नाम, ना किसी पेड़ का नाम, जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उसका उसका नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं है। ये नाम हमारा नाम तो आपका रखा हुआ तुलसीदास, और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का। ऐसा आपको शंका हो जाए, भ्रम हो जाए, वो बात तो अलग है, लेकिन ये तो उसका नाम है। तो आप उसके बाद, अरे भाई प्रभु का नाम है तो उसके बाद चलो पहुंचो, उसके बाद पहुंचना चाहिए, तैयारी करो चलने की। सब छोड़ो छाड़ो, दिन में काम कर दिया, शाम को बच्चों की सेवा कर दी, और बस घंटे दो घंटे के लिए छोड़ दिया, और वही घर ही में रहो, चार भाई भी बैठ जाओ, जमीन बैठ जाओ, और बस ये इस मंदिर में इधर से निकल चलो, चलो उसके पास तैयारी करो। दिन में काम किया और काम करके शाम को छोड़ दिया, कहते आपने सब छोड़ दिया, खेती छोड़ दी, सामान छोड़ दिया, और बच्चे छोड़ दिया मकान में बैठ करके, अब हम सच्ची पूजा करेंगे निकल जाएंगे। वो काम करो, तुम इधर उधर जाने की तो कोई इच्छा तमन्ना है नहीं, इसमें फंसने की है। तो आपको इससे क्या मिलेगा और क्या मिला? अच्छा सब लोग पूजा करते जाओ, जिसलिए आए हो करते जाओ, कोई मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन अच्छी चीज को देवी देवताओं से कहो कि हमको महाराज रास्ता बताइए, हम सच्चा भजन मालिक को प्राप्त करने का और आपको हर वक्त दर्शन करने का करेंगे भजन। ऐसा प्रार्थना करो देवी देवताओं से, जिनको अज्ञान में मान रहे हो, और जब तुम्हारी आँख खुल जाएगी तब तुम सच्चा दर्शन करो, उन देवी का, देवता का, सबका दर्शन करो, यानी ब्रह्मा का, विष्णु का, वहाँ भी तो देवी देवता बहुत रहते हैं, और ऊपर में ईश्वर का दर्शन करो। और अगर तुम आँख नहीं खोलोगे तो फिर न इनका दर्शन, न उनका, न इनका न उनका दर्शन, किसी को नहीं पहचान पाओगे, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, पहचानने में नहीं आएंगे। और आँख खुल जाएगी तो पहचान लोगे, इसमें क्या है, उसमें क्या, उधर क्या, उस तरफ देवता क्या है और उधर में क्या है, सबको देख लोगे। वो रास्ता खुला हुआ, उस रास्ते में अंधेरा नहीं, सूरज नहीं निकलता और डूबता नहीं है, ना उधर दिन होता है ना उधर रात होती है, बस इतना ही कूड़ा कचरा जो तुम्हारी जीवात्मा पर लदा हुआ, उसकी आँख और कान बंद है, बस उतना ही अंधेरा है, इसको हटवा लो, हटा करके बस सामने उजाले उजाला उजाले। वो तो तुम्हारी रामायण पढ़ते हो ना, उसमें लिखा है मोह मुदे उन्हें त्रिशत में भयो उन चितवत कौशलपुर गयो, मोह विलोक राम मुस्काई, मुझको देख करके और मैं उनको देख करके हाथ पड़े। तो कहते हैं मैं राम के उधर उधर चला गया, उनके उधर में, यानी उधर पेट में नहीं उस तरफ चला गया, तो उधर माज उन अंडज राया और देखो बहु ब्रह्मांड लिखाया, बहुत से ब्रह्मांडों को गोस्वामी जी महाराज उसी रामायण में कहते कि मैंने अपनी दिव्यांग अपने ज्ञान चक्षु से मैंने वहाँ जा करके देखा और परमात्मा को देखा साक्षात्कार, और देवी देवताओं को मैंने देखा। तो तुम भी देख सकते हो भाई, वो तो कलयुग था, गोस्वामी जी महाराज तो अभी कलयुग में आए, 1589 में जन्म लिया था, उसके बाद उन्होंने ये सब देखा गुरु की कृपा से, और देखने के बाद उन्होंने रामायण में लिखा। तो आप रामायण को समझ नहीं पाते हो कि रामायण का भेद कौन बताएगा, जिसने देखा होगा वही तो रामायण का भेद बताएगा, जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा, आँख का अंधा कभी नहीं बता सकता, वो तो अंधा है। कोई आदमी अंधा और बहरा हो तो क्या आपको सुनाएगा, क्या दिखाएगा, जिसके आँख होगी वो दिखाएगा कि रामायण में ये लिखा हुआ, ये लिखा, ये देख करके लिखा। तो आप रामायण को नहीं समझ पाते हो, रामायण उनसे समझो जिन्होंने उस परमात्मा को और ब्रह्मांडों को और देवी देवताओं को जिन्होंने देखा, ये बड़े अवभाग्य। और देखो आप मुझसे जो भी मदद चाहते हो, जितनी यथाशक्ति इस बुढ़े में उतनी तो आपकी मदद करेगा, बाहर से भी मदद करेगा, अंदर से भी करेगा, जीवात्मा के लिए भी करेगा और शरीर के लिए भी, दोनों तरफ, क्योंकि बाहर से भी करेगा तभी समझ में आएगा कि अंदर भी होगा, नहीं बाहर से नहीं करेगा तो अंदर से कैसे समझोगे। जब महात्मा बाहर से मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, तब उनको समझते हो, तो जीवात्मा के लिए मदद करते हैं तो जीवात्मा को जगा लेते हैं, उसको साफ सुथरा करके और उसको मतलब उधर ले जाते हैं, उधर पहुंचा देते हैं, तो दोनों काम। तो आप जितनी मदद चाहो, जो यथाशक्ति है उतनी आप मदद लो,
प्रेम के साथ, प्यार के साथ। प्यार और प्रेम बड़ी चीज होती है। किसी के पास कोई चीज है आप प्यार से सब ले सकते हो, और किसी के पास कोई चीज है आप गाली से या मारपीट करके ऐसे नहीं ले सकते। ऐसे लोगे लूटपाट के तो ले जाओ, लेकिन आपके पास रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा सब। और थोड़े दिनों का मन का धन है, बस उसके बाद साफ हो जाएगा, बस खाली ऐसे हाथ हो जाएंगे। ये मन का धन है, लेकिन प्यार से कोई चीज लो बाहर की, उससे भी तुमको कुछ आराम शारीरिक मिले, और अंदर से भी, यानी उससे प्यार से लो तो अंदर से भी अगाध धन है, और जीवात्माओं का धन है। ये बाहर का जो है बरतने का, ये शरीर का है, ये छूट जाएगा और जीवात्माओं का धन रह जाएगा। उसी से जीवात्माएं अमर पद को, अमर लोक को प्राप्त कर लेती है, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अभी बराबर चले आ रहे, बराबर जा रहे, आने जाने का तांता लगा हुआ, तो इनकी पूजा में रास्ता रुक गया है, तो बाधा क्यों डाली जाए। पूजा करेंगे, दूर दूर से आ रहे तो पूजा करेंगे, पूजा करें आप, आओ जाओ पूजा करो, और मतलब ये उसके बाद फिर अपने अपने घर जाओ। लेकिन हमारी बात कान में याद रखना, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये आपका देश नहीं, सब सामान छोड़ना, कुछ भी आपके साथ, एक सुई की नोक, एक बालू का कण भी आपके साथ नहीं जाएगा। जब ये नहीं जाएगा तो ये कोई सामान नहीं जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप खड़े हो जाओ। सुन शबरी बात हमारी, श्री राम अहे सुखकारी, सुन शबरी बात हमारी। सुनी कोई छाप तिलक तन धारे, कोई जटा विभूति रमा